चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय व्लॉग। और यार, आज की हमारी वीडियो ये है कि आज आपको बताएंगे गाड़ियों के बारे में, जो आजकल सिचुएशन चली हुई है। जैसे मतलब है कि नई गाड़ियों के रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, और इस वजह करके ना कोई भी बंदा जो है, अब जिसके पास पुरानी गाड़ियाँ भी खड़ी थी, अब उन्होंने भी उनके रेट इतने हाई लेवल पर कर दिए हैं, तो गाड़ियाँ भी इतनी खड़ गई हैं, कोई सेल परचेज का कोई भी किस्म का कोई भी प्लान नहीं है। जो पहले मतलब सर का निज़ाम चल रहा था गाड़ियों का, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल शोरूम भरे पड़े हैं। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल शोरूम भरे पड़े हैं, और कोई भी मतलब रोजान नहीं है इनका, ना कोई सेल गाड़ी हो रही है, ना ही मतलब कोई सीन वगैरह हो रहा है। अब क्योंकि मार्केट इतनी ठंडी हो गई, क्योंकि रेट जो इतने बढ़ गए हैं, अब हर बंदे की कुछ जो लोग मार्केट इतनी हाई होने की ना वजह से ना, कुछ लोग जो बेचारे घर के लिए गाड़ियां ढूंढ रहे थे छोटी सी रेंज में कि भाई आज मिल जाएगी कल मिल जाएगी, उन बेचारों को नहीं पता लग गया। काफ़ी सारे क्लाइंट ऐसे आए हमारे पास जो कह रहे थे कि यार हम क्या सोच के आए थे, ये हमारे साथ क्या हो चुका है, इतने हाई लेवल पे रेट मतलब हो गए हैं कि हम कहाँ जाएँ। वो बेचारों की जिनकी सोच थी कि भाई आल्टो हम लेंगे, चलो हमें कोई आल्टो 19-20 मॉडल अच्छी गाड़ी कोई मिल जाएगी, ऐसे समझो कोई 19 मॉडल कोई मिल जाती थी पहले, कोई बहुत अच्छी गाड़ी हो 16.5 से अपना 16.5 के लगभग अच्छी गाड़ी मिल जाती थी मार्केट में। पर वो अब तक उनके बेचारे यही बात मुझे बता रहे थे कि बैद भाई हम पहले भी आए हैं, पर ये हमने सीन देखा है कि अब हम थोड़े से बहुत ज़्यादा ही नर्वस हो गए हैं, जो आजकल गाड़ियों के प्रोग्राम है ना, बिल्कुल उन्होंने कहा कि भाई अब एंड हो चुके हैं। अब बेचारे वहीं पुरानी कल्सन लेके गए हैं और आल्टो वगैरह 11-12 मॉडल लेके गए हैं आज। तो आप सबको बताने का मकसद ये था यार कि ना नई गाड़ी के जैसे रेट चढ़े हैं ना, हर बंदे ने अपनी गाड़ियों का भी रेट चलाने, फिर कहते हैं कि भाई अभी हमारी गाड़ियाँ सेल परचेज क्यों नहीं हो रही। वो कैसे होंगी यार जब रेट इतने हाई हो गए हैं, फिर मतलब नई गाड़ियों के रेट चले हैं, ओल्ड गाड़ियों के तो रेट नहीं चढ़े। भाई मैं क्यों नहीं बीच में खड़ा, हमने भी अपनी नई गाड़ी का ना मतलब रेट चढ़ा दिए हैं, इस वजह करके अभी मार्केट बहुत ज़्यादा ठंडी हो गया। और चलते हैं वीडियो की तरफ, आपको आज की वीडियो में दिखाएंगे, ये खड़ा है अपना डब्बा, एक ये दिखाएंगे, एक दूसरी साइड पर डब्बा खड़ा वो भी दिखाएंगे। इस डब्बे को कहते हैं वैसे हाई जेट है, ये टोयोटा हाई जेट है, और चलते हैं वीडियो की तरफ, दिखाते हैं फिर आप। अभी मजा आएगा ना। तो ये है वो गाड़ी, आ चुके हम गाड़ी की तरफ, ये है हाई जेट 660 सीसी है ये, और ये बिल्कुल लश कंडीशन में गाड़ी है, बिल्कुल बम्पर टू बम्पर ये गाड़ी जेन्युइन है। ये इसके साइड व्यू है, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ओके है, और ये होम यूज़ कार है, घर की चली हुई गाड़ी है, और ये चलता भी बहुत कम था। और इसको आपको इसके अंदर से कंडीशन दिखाते हैं, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल ब्रांड न्यू पड़ा है, कहीं से कोई भी चीज़ इसकी रस्ट वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। इसके गत्ते वगैरह अंदर जेन्युइन खुशबू भी इसके अपनी ओरिजिनल जैपनीज खड़ी है। ये सीटें इसकी देख सकते हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू सीटें पड़ी हैं इसकी, ये आप देख सकते हैं इसका बिल्कुल सील बाय सील है। और ये घर के रखने के लिए तो बहुत ही मज़बूत गाड़ी, और जैपनीज़ है आपको पता तो है, फिर जैपनीज़ कोई भी गाड़ी हो बड़ी मज़बूत और कम्फर्टेबल होती है। ये आप देख सकते हैं, ये इसकी दूसरी साइड है, ये साइड भी बिल्कुल फ्रेश पड़ी है, कोई किस्म का मतलब गाड़ी में काम वगैरह भी नहीं है। टायर भी इसके बिल्कुल ब्रांड न्यू डाले हुए हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू हैं। और जिस भाई को भी ये गाड़ी चाहिए तो इंशाल्लाह ज़रूर रब्ता करें, और ये गाड़ी उनके लिए ऐसे समझें हीरा मोती की तरह है। ये आपको मैं इसके ना बैक में दिखाता हूँ सारा कुछ, ये आप इसके ना बैक यहाँ से भी देख सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश पड़ी है। और इसकी जो पीछे वाली सीट है वो पोशिश हुई हुई है, ये जो सीटें हैं इसकी दोनों ना ओरिजिनल अपनी है पड़ी। और जिसको भी ये डब्बा चाहिए इंशाल्लाह ज़रूर रब्ता करें, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और यार चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो, और वीडियो एंड तक देखी करो, ठीक है जनाब, ओके अल्लाह हाफिज़।